वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, हम कर रहे थे क्लास सेवन्थ के साइंस का चैप्टर थर्ड, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एनिमल फाइबर वूल के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। तो फीमेल होती है सिल्क मॉथ की, जो फीमेल होती है वो एग्स देती है, जो हैच होके क्या बनाते हैं, लार्वा। जो लार्वा इसमें से निकलता है हैच होने के बाद, उसे आप कहते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। मीन्स द लार्वा, वो जो कहाँ से आता है, हैच होने के बाद एग्स, जो एग्स कौन देती है, फीमेल सिल्क मॉथ, उसे हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। और बाद में वो उसकी ग्रोथ होती है उनके साइज में, उसके बाद जो कैटरपिलर होते हैं वो रेडी हो जाते हैं एंटर होने के लिए उनकी नेक्स्ट स्टेज जो होती है उनकी लाइफ हिस्ट्री की, जिसे क्या कहते हैं, प्यूपा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्स थे, एग्स हैच होने के बाद लार्वा निकला, जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है उनकी प्यूपा। उसमें क्या करता है, सबसे पहले वो एक बीव्स बुनता है, एक नेट होल्ड करने के लिए अपने आप को। उसके बाद वो स्विंग्स करता है अपना हेड जो है साइड टू साइड, किस फिगर में, एट की फिगर में। जब ये मूवमेंट्स होती है हेड की, तो कैटरपिलर क्या करता है, सिक्रीट करता है फाइबर। बस जब मूवमेंट वो करता है, वो साथ साथ में क्या करता है, एक फाइबर प्रोड्यूस करता है। फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और वो हार्ड हो जाता है जैसे ही वो फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, और सिल्क फाइबर बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर कर लेता है अपने आप को सिल्क फाइबर से, और क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं कुकून। ये जो कवरिंग होती है फाइबर की, जिसमें वो अपने आप को कवर कर लेता है कैटरपिलर, इस कवरिंग को बोलते हो कुकून। जो फर्दर डेवलपमेंट होती है प्यूपा की इनटू मॉथ में, वो कंटिन्यू कहाँ पे होती है, इसी कोकून के अंदर होती है। सिल्क फाइबर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं क्या, बुनने के लिए, सिल्क के क्लॉथ बनाने के लिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि सॉफ्ट सिल्क यार्न जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसके कंपेरिजन में, जो थ्रेड होता है स्टील का। सोचिए, एक एनिमल द्वारा बनाया गया और एक मेटल से बनाया गया, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जो कि सिल्क से बनाया गया थ्रेड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए, यहाँ पे फिगर में आपको मेल भी दिखाई गई है सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ भी बताया गया है। उसके बाद ये एग्स बताए हैं मलबरी की ट्री पे, ये सिल्क वॉर्म है आपका। ये कोकून देखिए कैसे उसने फाइबर को अपने आगे पीछे जो है लपेट लिया है, ये बना लिया कोकून, और कोकून के अंदर डेवलप हो रहा है ये मॉथ, कैटरपिलर मींस डेवलप हो रहा है उस। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जो सिल्क यार्न है या थ्रेड है वो कहाँ से ऑब्टेंड होता है, हमें कोकून से। कोकून किसका, सिल्क मॉथ का। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं सिल्क मॉथ की, जो अलग होती हैं एक दूसरे से, और सिल्क यार्न जो यील्ड होता है उनसे, उनके टेक्सचर भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कोई कोर्स होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई शाइनी होता है। इसीलिए तसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा जो ऑब्टेंड होते हैं कोकून से, उनको स्पन किया जाता है किसके द्वारा, अलग अलग टाइप के मॉथ जो हैं उनको स्पन करते हैं। मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ जो है वो मलबरी सिल्क मॉथ है। अंडरलाइन करके रखिए, मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ कौन सा है, मलबरी सिल्क मॉथ है। सिल्क फाइबर जो होता है कोकून से इस मॉथ के, वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है, इलास्टिक भी होता है, और उसे हम डाई भी कर सकते हैं ब्यूटीफुल कलर्स में। जिस कलर्स में आप डाई करवाना चाहते हैं उसमें आप डाई भी करवा सकते हैं। सीरीकल्चर या कल्चर जो होता है सिल्क फॉर्म का, वो बड़ा ही पुरानी ऑक्यूपेशन है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूस करती है बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में सिल्क, वो भी कमर्शियल स्केल पे। मीन्स यहाँ से सिल्क बाहर भी मतलब बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 3.5, आपने कलेक्ट करने हैं पीसेस इसके सिल्क क्लॉथ के अलग अलग टाइप्स के, और पेस्ट करना उसे अपनी स्क्रैप बुक पे। तो आप फाइंड करेंगे टेलर की शॉप पे कि हीप ऑफ वेस्ट जो होते हैं, कट पीसेस होते हैं उनके पास, वेस्टेज बची होती है, आप वहाँ से ये ले सकते हो। उसके बाद आप हेल्प ले सकते हो अपनी मदर की, आंटी की, टीचर की आइडेंटिफाई करने में, वो आपकी हेल्प करें सिल्क कौन सा, मलबरी सिल्क कौन सा, टसार सिल्क कौन सा, एरी सिल्क कौन सा, मोगा सिल्क कौन सा है। कंपेयर कीजिए इनके टेक्सचर सिल्क के और आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस के साथ, तो कौन है जिसके अंदर सिंथेटिक फाइबर, मतलब कौन सा सिल्क होगा जिसके अंदर क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर होगा। ट्राई कीजिए और कलेक्ट कीजिए पिक्चर्स अलग अलग मॉथ्स की, जिसके कैटरपिलर क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं आपको इस टाइप के सिल्क। जैसे मलबरी सिल्क कौन से कैटरपिलर से मिला आपको, टैसर सिल्क कौन से कैटरपिलर से मिला, एरी सिल्क कौन से कैटरपिलर से मिला, एट्सेट्रा। इस तरह से आप इसके क्या स्क्रैप बुक में इनका रिकॉर्ड बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड ले लीजिए और एक प्योर सिल्क थ्रेड ले लीजिए, इनको बर्न कीजिए ध्यान से। तो क्या आपने कोई नोटिस की उन डिफरेंस, उनकी कुछ स्मेल में कोई बर्निंग, जब आप बर्न हो रहा था वो सिल्क, तो क्या उनकी जो बर्निंग स्मेल थी उसमें कोई डिफरेंस थी। अब बर्न कीजिए वूलन फाइबर को ध्यान से,
तो क्या उसकी जो स्मेल थी बर्निंग की, आर्टिफिशियल सिल्क या प्योर सिल्क की जैसी थी, उन्हीं की जैसी थी? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों? तो ये याद रखिए कि जब कोकून की स्टेज जो होती है लाइफ हिस्ट्री में, जब वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं सिल्क मॉथ पे, तो इस तरह की एक्टिविटी होती है, ये याद रखिए। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी आपको 3.7 दी गई है, फोटो कॉपी 3 फिगर 3.9। 3.9 में हमने स्टेजेस देखी हैं वहाँ पर कैटरपिलर की। कट कीजिए पिक्चर्स इस स्टेजेस की, लाइफ हिस्ट्री की, इसकी सिल्क मॉथ की, और पेस्ट कीजिए उसे कार्डबोर्ड पे या चार्ट पेपर पे, जंबल कीजिए उन्हें और ट्राई कीजिए उन्हें अरेंज करने की स्टेजेस, वो भी सीक्वेंस में। मींस पहले हैक एग्स होंगे, एग्स हैच होने के बाद वहाँ से लार्वा निकलेगा जिसे कैटरपिलर बोला जाता है, उसके बाद वो अपने आगे पीछे एक फाइबर सा कवरिंग करेगा, ठीक है। ये आपने स्टेजेस वहाँ पे करनी है, ये आपको एक्टिविटी दी गई है। तो उसमें से हूएवर डज इट फास्ट, आपका ग्रुप होगा चिल्ड्रन का, कौन कितनी जल्दी इन स्टेजेस को, जंबल स्टेजेस को सीक्वेंस में करेगा। आप डिस्क्राइब कर सकते हो लाइफ हिस्ट्री किसकी, इसकी सिर्फ मौत की, अपने वर्ड्स में भी, अपनी स्क्रैप बुक में भी उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कोकून से सिल्क कैसे बना। सिल्क ऑब्टेन करने के लिए मोथ की रियरिंग होती है और उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड बनाने के लिए। रियरिंग कैसे होती है, पालन पोषण कैसे होता है सिल्क वॉर्म्स का? एक फीमेल जो सिल्क मॉथ होती है वो कितने अंडे देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है एक टाइम में, और एग्स को स्टोर किया जाता है केयरफुली किस पे, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ पे या पेपर पे, जहाँ सोल्ड बेच दिए जाते हैं ये किसको, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को, जो किसान होते हैं जो उनका मतलब पालन कर पोषण करते हैं उन किसानों को बेच दिया जाता है। और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, मतलब सुइटेबल कंडीशन में, साफ़ सफाई में रखते हैं, जितनी जैसा उनकी कंडीशन चाहिए उनको पता होता है, इतना उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको रखते हैं। फिर उसके बाद एग्स को वार्म किया जाता है सुइटेबल टेम्परेचर में, क्योंकि कुछ ना कुछ उनको गर्मी चाहिए ताकि लार्वा जो हो वो हैच होके बाहर आ जाए एग्स में। ये कैसे होता है, जब मलबरी ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, उन पे फ्रेश क्रॉप आते हैं लीव्स के, उस टाइम पे जो लार्वा जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं, वो क्या करते हैं, ईट डे और नाइट, खाते रहते हैं दिनों रात, और इंक्रीज होते रहते हैं, उस टाइम उनका साइज़ जो है वो बढ़ता रहता है। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये है आपकी फीमेल सिल्क वॉर्म के एग्स हैं, ये देखिए इसमें से लार्वा निकल के आ रहा है, ये होती है मलबरी ट्री, ये लीफ देखिए इसके इस टाइम पे पड़े हुए हैं, ये कोकोन्स की पूरी शेप बताई है, ये फिगर है आपकी रेयरिंग सिल्क वॉर्म की। उसके बाद एग्स होने के, हैच होने के बाद जो लार्वा निकलता है, लार्वा को कैप कहाँ पर रखा जाता है, क्लीन बाम्बू ट्रेस में और फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ, ठीक है, मीन्स बीच में लीव्स भी रखनी है साथ में, क्योंकि उन्होंने खाना पीना भी तो है कुछ। 25 से लेकर 30 डेज़ के बाद क्या होता है, कैटरपिलर स्टॉप कर देते हैं खाना खाना शुरू, बंद कर देते हैं, वो कहाँ पे चल जाते हैं, छोटे छोटे चैम्बर जो होते हैं बाम्बू के ट्रे के, वहाँ पे चल जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे स्पिन करते कोकून्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल रैक्स या ट्विक्स जो होते हैं उनको प्रोवाइड किए गए होते हैं ट्रेस में, जिसमें कोकून्स जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म जो होती है वो स्पिन करती है कोकून को इनसाइड इस बाम्बू ट्रे के इनसाइड, जो डेवलप होकर बाद में क्या बन जाता है, सिल्क मॉथ। मतलब मीन्स वो कोकोन तभी तक उसको प्रोड्यूस करेगा, कोकोन को तभी तक प्रोड्यूस करेगा जब तक उसकी जो स्टेज कहाँ तक ना पहुँच जाए, वो सिल्क मॉथ ना बन जाए, कैटरपिलर क्या ना बन जाए, सिल्क मॉथ ना बन जाए। उसके बाद क्या होता है, जो सिल्क मॉथ बन जाता है, प्रोसेसिंग होती है सिल्क की, एक पाइल जो होता है कोकोन्स का उसको यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए किसे, सिल्क फाइबर्स को। कोकोन्स को कहाँ पर रखा जाता है, अंडर द सन, और बॉयल किया जाता है, आज जहाँ है स्टीम में एक्सपोज किया जाता है। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और जो प्रोसेस होती है टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड इसमें से कोकोन्स में से यूज़ के लिए, किसके यूज़ के लिए, सिल्क के यूज़ के लिए, उसे कहते हैं रीलिंग द सिल्क, मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड फ्रॉम द कोकोन फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग जो डन कैसे होती है, वो स्पेशल मशीन्स में होती है, जो क्या करती हैं, अनविंड कर देती हैं थ्रेड्स को, जहाँ फाइबर्स के इसके सिल्क को इसमें से कोकोन में से, मिस सिंप्लीफाई अलग सिंपल स्टेट में चेंज कर देती हैं उनको, मतलब एक सीक्वेंस में लगा देती हैं। सिल्क फाइबर्स उसके बाद स्पन होते हैं, उनके सिल्क थ्रेड बनते हैं, जिनको वोवन करके बुन के क्या बनाए जाते हैं, उनके सिल्क मॉथ बनाया क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो भी उनको बुनने वाले होते हैं। तो मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में क्या हुआ, जो कोकोन्स उन्होंने बनाए थे, किसने बनाए थे, कैटरपिलर ने जो कोकोन्स बनाए थे, उन कोकोन्स को सेपरेट किया जाता है। कैसे सेपरेट किया जाता है, जो
उनको सेपरेट किया जाता है सिल्क फाइबर्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है थ्रेड टेकिंग आउट ऑफ थ्रेड कहाँ से कोकून से ताकि यूज़ किया जा सके उन्हें एज ए सिल्क, उसे कहा जाता है रेलिंग द सिल्क। और रेलिंग जो है वो स्पेशल मशीन से की जाती है ताकि अनविंड किया जा सके थ्रेड्स को जो फाइबर्स को उनको सीक्वेंस में लाया जा सके। तो ये आपका इस तरह से ये प्रोसेस आ गई सिल्क के बनने की। तो ये तो थी आपकी लाइफ हिस्ट्री किसकी, सिल्क मॉथ की। यहाँ पे इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।